तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए ब्रांड के एक नए स्मार्टफोन के बारे में। लेकिन रुकिए, ये ब्रांड तो देखा देखा सा लग रहा है। अरे, ये तो फ्लिपकार्ट का सब ब्रांड मार्क है, जिसके अंडर फ्लिपकार्ट अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है। पहले भी इस ब्रांड के अंडर वॉशिंग मशीन, टीवी और भी कई चीज़ें हमें देखने को मिल चुके हैं। अब फ्लिपकार्ट अपने स्मार्टफोन को भी लॉन्च करने जा रही है और ये मार्क M3 स्मार्टफोन होगा। करीब 3-4 साल पहले भी फ्लिपकार्ट ने अपने बिलियन सब ब्रांड के अंडर कैपिटल प्लस स्मार्टफोन को लॉन्च किया था, लेकिन उस टाइम वो ज़्यादा चला नहीं। अब फ्लिपकार्ट फिर से स्मार्टफोन मार्केट में आने की तैयारी कर रही है और अब ये स्मार्टफोन मार्क ब्रांड के अंडर हमें देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन देखा देखा सा लग रहा है। खैर छोड़िए, डिज़ाइन तो आजकल बहुत सारे डिवाइसेज में सेम ही देखने को मिलता है। इसके सभी स्पेसिफिकेशन हमारे पास हैं और इसकी प्राइस को रिवील कंपनी 25th को करेगी। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको प्राइस भी बताने वाला हूँ और भी कई सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। पहले बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें हमें 6.1 इंचेस का एक HD+ डिस्प्ले, ड्यूल ड्रॉप नॉच 20:9 एस्पेक्ट रेशियो और 2.5D कर्व्ड ग्लास के साथ देखने को मिलेगा। ऑक्टा कोर यूनिसॉक SC9863A प्रोसेसर के साथ ही आएगा और 2GB रैम के साथ 32GB की इंटरनल स्टोरेज इसमें हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी इसमें होगा, जिसकी मदद से 256GB तक और इसकी स्टोरेज को बढ़ाया जा सकेगा। कैमरा सेक्शन की बात करें तो इसके बैक पैनल में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का और एक डिजिटल कैमरे के साथ ही आएगा, जो कि किसी काम का नहीं होगा। फ्रंट में ड्यूल ड्रॉप नॉच में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इसमें मिलेगा। पावर बैकअप के लिए ये 5000 mAh बैटरी के साथ आएगा और स्टैंडर्ड 10W चार्जिंग सपोर्ट इसमें मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए इसमें फेस अनलॉक का सपोर्ट होगा और कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 4G, 4G LTE, Wi-Fi, ब्लूटूथ, GPS, 3.5mm हेडफोन जैक और माइक्रो USB पोर्ट इसमें मिलेगा। ब्लैक, ब्लू और रेड कलर ऑप्शंस में ही आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब स्पेसिफिकेशंस मुझे सुने सुने से लग रहे हैं और डिजाइन भी देखा हुआ सा लग रहा है। अरे यार, ये तो जियोनी मैक्स स्मार्टफोन है, जो कि जियोनी ने पिछले साल इंडिया में लॉन्च किया था। तो मतलब जियोनी मैक्स को फ्लिपकार्ट मार्क M3 स्मार्ट के नाम से फिर से लॉन्च करने वाली है। जियोनी तो अब इंडिया में एक्टिव नहीं है और शायद जियोनी मैक्स के स्टॉक अभी बहुत सारे बचे होंगे, तभी जियोनी फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप में इसे फिर से लॉन्च करने वाली है। आइए देखते हैं फ्लिपकार्ट ने इसे कैसे डिजाइन किया। तो ये लीजिए, हो गया नया फोन तैयार। फ्लिपकार्ट भी लाइक इसको बना लेंगे, इनको क्या ही पता है। वैसे देखे तो जियोनी मैक्स भी एक अच्छा स्मार्टफोन है। इस प्राइस में अभी भी हमें ऐसा डिवाइस देखने को नहीं मिलता है। फ्लिपकार्ट पे मार्क M3 स्मार्टफोन की प्राइस भी वैसे तो 8000 रुपीज़ लिखी हुई है, लेकिन ये 5999 रुपीज़ के प्राइस टैग के साथ फिर से नए नाम के साथ हमें देखने को मिलेगा। और मैं भी आपको इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप 1000 रुपीज़ और जोड़ें तो 7000 में इन वन भी रियलमी C11 और पोको C3 जैसे डिवाइसेज 7-8 हज़ार की प्राइस रेंज में आ जाते हैं, तो उनमें आपको इससे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और वो वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलेंगे। फ्लिपकार्ट अगर स्मार्टफोन मार्केट में आना चाहती है तो उन्हें अपने ओरिजिनल डिवाइसेस को लॉन्च करना चाहिए और प्राइस भी अग्रेसिव रखनी चाहिए, नहीं तो ऐसे फिर पहली बार बिलियन जैसे ही फ्लिपकार्ट मार्क स्मार्टफोन्स भी फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।